चाचा, गुड मॉर्निंग। ओके, कैसे सब लोग? इसे तबीयत खराब है? बुखार? मैं कैसी लग रही हूँ? तुम लोगों को क्या लगता है मेरी हेल्थ कैसी होगी? हाँ, मतलब अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा हो, है ना? क्या होता है कभी कभी हमको अंदर से इतनी वीकनेस होती है, तबीयत खराब होती है, तो उसके रीजन नहीं जान पाते, ठीक? जैसे अगर 12-15 साल का कोई बच्चा है, वो दौड़ते दौड़ते मतलब ज्यादा में दौड़े 100-200 मीटर दौड़े और क्या हो जाए, थक जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अंदर से क्या है, स्वस्थ नहीं है, ठीक? हमें सर दर्द, बुखार, इन सब की तकलीफ आजकल नॉर्मल हो गई है। अरे नॉर्मल छोटी छोटी बीमारियों से ही बड़ी बड़ी बीमारियां क्या होती है, रूप ले लेती है, ठीक? तो आज ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपने बारे में जांच करते हैं। क्या करेंगे? जांच। किस तरीके से? सांसों के माध्यम से। सांस कहाँ से हम सांस लेते हैं? कहाँ से आती है? फेफड़ों से, लंग से, है ना? तो हमारा फेफड़ा स्वस्थ है या नहीं है ये हम कैसे आज जानेंगे? जो जितनी देर तक अपनी सांसें रोक सकेगा वह उतनी ज्यादा क्या होगा, स्वस्थ होगा। करें जैसे पहले मैं करती हूँ, ठीक? हम पहले टाइमर सेट करेंगे। क्या करेंगे? टाइमर। ओके, हम टाइमर से ये पता लगाएंगे कि हम, मैं अभी फिलहाल मैं अपना ट्राई करूंगी कि मैं कितने स्वस्थ हूँ, ठीक है ना? देखना। ओके, ये टाइमर स्टार्ट में करने जा रही हूँ, ठीक? मैं सांस कितने देर तक रोक सकती हूँ, मिनट, सेकंड, आई डोंट नो, ठीक है ना? आज चेक करते हैं। ओके, 35 सेकंड, ठीक है ना? मैंने अपनी सांस कितनी देर तक रोके रखी? 35 सेकंड। तो अब हम ट्राई करेंगे। ओके, तो आ जाओ साक्षी, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आज ट्राई करते, ठीक है ना, कि आप कितने स्वस्थ हो या नहीं हो, ठीक? ट्राई करें। ओके, 1 2 3 सांस ले लो, स्टार्ट। ओके, टूट गई, टूट गई, कम ऑन, 14 सेकेंड, ठीक? एक और ट्राई करते हैं। राकेश आजा बेटा, 14 सेकेंड। ओके साक्षी, सांस रुकना, 1 2 3 सांस ले लो, स्टार्ट। चलो 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 चलो, ओके, 28 सेकेंड। तो इससे क्या साबित होती है साक्षी? तुम अंदर से थोड़ा सा, तुम्हारा लंग्स क्या है, कमजोर है, तो तुमको अपने खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि गर्म पानी पीना पड़ेगा और आपको अच्छे अच्छे फल फ्रूट खाने पड़ेंगे, दौड़ना पड़ेगा। राकेश आप इससे थोड़ा बेटर हो, फिर भी आपको ध्यान की जरूरत है, और मेरा भी ज्यादा नहीं है तो मुझे भी अपनी तबीयत का ख्याल रखना पड़ेगा, मेरा फेफड़ा भी कमजोर है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने सेहत का, अपने फेफड़े का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल।